इस वक्त हम लोग पीएसएस हॉस्पिटल जमालपुर में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ आबिर सर है, जहां पर ईएनटी सर्जन है। उनसे इस अस्पताल के बारे में हम लोग चलते चलते ब्रीफ करेंगे कि सर में यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर यहाँ मौजूद है और क्या क्या यहाँ पर मरीजों को विशेष रूप से सुविधाएं मिली हैं मिलेंगी। सर जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन कौन से विशेषताएं मिलेगी पहले हमें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं डॉक्टर आमिर अली, ईएनटी सर्जन, और ये हॉस्पिटल पीएसएस हॉस्पिटल बड़ी आशिकपुर दुर्गा स्थान के बगल में आपके छोटे से शहर जमालपुर में स्थित है। आप बिल्कुल आएँ और देखें कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ये एक्चुअली इस टाइप का मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या इस टाइप की नहीं है। ये हॉस्पिटल हम लोगों ने जो एक पॉजिटिव सेंस लेकर के ओपन किया है, जिस इलाज को लेकर के छोटी छोटी चीज़ें के लिए बाहर चले जाते थे, ऑक्सीजन हो गया, वेंटिलेटर हो गया, जिन चीज़ों की वजह से कोरोना काल में बहुत लोगों की मौत हुई है, उन सब चीज़ों को लेकर के ना हम लोगों ने एक हॉस्पिटल ओपन करा है। ये हमारा, हमने आपसे पहले भी, हम लोग तीन ए पे मोस्टली काम करते हैं। एक पहला चीज़ है जो इजली एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या है कि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ आप तुरंत में आ सकते हैं, शहर के बीचों बीच है, आपसे हम बस एक कॉल दूर है, कॉल करें, एम्बुलेंस आपके पास है, आप हमारे पास है। ये इजी एसेसिबिलिटी है। एम्बुलेंस की एक्चुअली सेवा फ्री है। 24x7 एम्बुलेंस की सेवा फ्री है, एम्बुलेंस का आपको कोई खर्च नहीं लगना है। सर हम लोग चलते चलते देखेंगे कि यहाँ पर इंटीरियर में क्या क्या विशेषताएं इंटीरियर हैं। में जैसे आपने इन किया था, तो इन में ही आपको वहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं हैं। जो पहले जो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो इमरजेंसी अच्छा, में है। सबसे हाँ, पहले इमरजेंसी में। ठीक इमरजेंसी सबसे पहले कोई मरीज जो हॉस्पिटल, आप वो आउटडोर दिखाने आए तो नॉर्मल पेशेंट है कि आए, कोई दिक्कत है, पेट में दर्द है, ये आ, बट जो इमरजेंसी होती है जिसके लिए मेन ये हॉस्पिटल जो बाध्य है, हम जो चीज़ों की इलाज के लिए है, बिल्कुल। कि जो भागते हैं लोग, बेगूसराय चले गए, पटना चले गए, भागलपुर, उसके लिए हम लोगों ने मेन इसको ओपन किया है कि आपको पहले आपको जानना, देखिए जानना है जिनको है कि नहीं मुझे बाहर ही कराना इलाज, तो वो एक बिल्कुल अलग, बट उसके लिए भी आपको स्टेबल होके ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग हैं कि पहले आप यहाँ पे स्टेबल हो, यानी या कुल हम मिला। आपको यहाँ पे प्रॉपर इलाज भी देने के लिए सक्षम है कि हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है, 12-14 डॉक्टर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो आपके इलाज के लिए हरदम और 24x7 अवेलेबल है। ये जानना चाहेंगे सर कि और यहाँ पर क्या ये विशेषताएं। एचडीयू सेंट्रिक है, ये आईसीयू से कम होता है। हमारे पास बॉम्बे में एचडीयू में बहुत जगह पे लोग मॉनिटर्स अवेलेबल नहीं होता है, हमारा मॉनिटर है, ऑक्सीजन पाइपलाइंस है, यहाँ पे 24x नर्सिंग स्टेशन है, डॉक्टर है, हमारे आरएमओ हैं जो 24 घंटे अवेलेबल आपके लिए रहते हैं। सर एक सवाल है कि बहुत सारे मरीज जो होते हैं बहुत सारे इलाज के लिए अफर्ड नहीं कर पाते हैं, देखिए तो उनके उसके लिए पीएसएस क्या व्यवस्था बिल्कुल करेगी। पीएसएस आपके, हमारा हमारा उद्देश्य ही यही है, कम खर्च बेहतर इलाज, खत्म। दूसरी मैं कोई बात नहीं, देखिए ये वो वाला नहीं है स्टैंपिंग की मैं वादा दूं, बड़े बड़े नेता टाइप का नहीं है। हमारे पास आप आएंगे खुद ही समझ में आ जाएगा आपकी बिल, या पेशेंट और भी हैं, आप पेशेंट से बात कर लें, हमारा बिल सिस्टम देख लें, हमारा क्या है, किसी भी पेशेंट से आप मरीज से बात कर लिए, अगर किसी हॉस्पिटल से कम ना हो फ्री में कर देंगे। सर मुंगेर इसीलिए और जमालपुर के अंतर के कई अस्पतालें जिस तरीके से खुल रहे हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो कहीं ना कहीं मरीजों में ये लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसों का है ना उससे कलेक्ट देखिए किया ये जाता क्या है इलाज है, के ये हम दरमियान, लोगों ने एक कॉर्पोरेट सिस्टम आ लेकिन गया है आपके इलाज यहाँ में। क्या है। हमारे यहाँ कोई कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं है, आप आइए इलाज करें, संतुष्ट है, कराइए, नहीं 24 घंटे आप जब बोलेंगे डिस्चार्ज जाना जाए, हम कोई ये रोकने का नहीं। और हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको मन करेगा, डॉक्टर्स हो या हमारा स्टाफ सेगमेंट हो, सब आपसे पेशेंट फ्रेंडली सर एक है। और जानेंगे कि क्या पीएसएस कुछ गरीब ऐसे मरीज होंगे जो उनको अलग से कुछ विशेषताएं के देखिए हम लोग रूप एक में। क्या होता है, एक सिस्टम बना रहता है। हाँ, उनको हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्च कम कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे पेशेंट को ऐसा करते हैं कि वो पेशेंट को आईसीयू में है, बट उनको या तो जनरल वार्ड चार्ज लगा दिया, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, क्या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल तो ऐसे चूंकि उनको कई उनको लोग छोड़ होते दिए, हैं। तो
हाँ नहीं, अगर वो भी नहीं है चलो भाई तुम दवाई का दे देना, यही बोलोगे चल जाओ तुम्हें मन रहना फ्री कर देता। तो हमारी तरफ से ये सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि पेशेंट हमारा ऐसा है जो है तो मैं उसको ऐसे ही लेना, उसमें कोई नहीं। हम लोग प्रॉपरली उस हिसाब से ही वर्कआउट करते हैं कि पेशेंट को बर्डन नहीं पड़े कभी भी, बर्डन कभी नहीं। हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं तो हमारा सिस्टम हमने प्रॉपर उसी हिसाब से हम लोग वर्कआउट करते हैं, हरदम से ध्यान ये रहता हमारा कि पेशेंट पे बर्डन नहीं, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना। आईसीयू में क्या सर विशेषताएं हैं? ये आईसीयू नहीं, पहले इन करें फिर देखिए क्या है आईसीयू में। ये हमारा 7-बेड आईसीयू है, आईसीयू प्रॉपरली देख ही रहे हैं। ये आइए सर से मिलाजा, ये डॉक्टर रजनीश सर हैं, नमस्कार। एमडी मेडिसिन है और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आईजीएमएस में एसआर भी हैं। ठीक है सर, का ऑब्जर्वेशन चल रहा है मरीज के? हां अभी राउंड चल रहा है जी। तो देखते हैं, ये डॉक्टर अरुण जी हैं, ये आरएमओ 24 हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल रहेगा, जो इसमें कोई ये नहीं है। मैंने बाहर से कॉल नहीं, एक प्रेजेंट यहां पर आइए, हमारे पास टोटल मल्टीपल केस है, ये देखिए पॉइजनिंग का है, वो एक्सीडेंटल का है, उधर हाइड्रोफिल का है, तो इस टाइप से है। और इवन मैंने बताया आपको, ये हमारा जो मॉनिटर भी है ये 5 पैरा मॉनिटर्स कहलाता है, ये मॉनिटर में ईसीजी लीड चलती रहती है। टेक्निकल सर क्या क्या मरीजों के लिए विशेष रूप से? देखिए मरीज तो मल्टीपल मरीज आते हैं, तो उसमें पेशेंट को हमको बोलना बताना तो बड़ी बातें होंगी कि हर मरीज को और उसके इलाज के बारे में बताना, तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। ये सब आप देख ही रहे हैं क्योंकि पाइप लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन लाइन लगी हुई है, मॉनिटर जो है ये 5 पैरा मॉनिटर, हर पेशेंट का ईसीजी वैल्यूज चल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा वेंटिलेटर सपोर्ट है, बाईपैप है, सारे कुछ हमारा आईसीयू में अवेलेबल है। ये वेंटिलेटर है, जिसके वेंटिलेटर के बारे में आपको बता दूं। इस मशीन की क्या विशेषताएं हैं? ये मशीन है जो पेशेंट एकदम सांस रुकने पे आ रहा है, उनको ट्यूब डाल करके इस मशीन के थ्रू ही रखा जाता है, इसी का नाम वेंटिलेटर है, ठीक है। ये बहुत महंगी मशीन होती है जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। गारंटी मतलब ये जो होता है बहुत ही एक अलग सिस्टम है, प्रॉपर ये समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाता है, ठीक है। तो इसलिए इस सिस्टम पूरा एक जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट बोलते हैं, ये सारे ही मेन। छोटे शहर में ऐसे मशीनरी होने से पेशेंट को मतलब क्या करते हैं कि लास्ट टाइम में भी आप लोग रिकवर करने का पूरा बिल्कुल बिल्कुल लास्ट तक हम लोग, देखिए हमारा काम ही यही है, हम भगवान तो हो नहीं सकते, पहली बात हम भी इंसान हैं, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हम लोग जितना 100% ट्राई कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल है हमारा कि आप जब तक हमारा है हम कोशिश करेंगे। ये है, चलिए एक डॉक्टर तो भगवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मरीज आए वो यहाँ से स्वस्थ होकर यहाँ से निकले, उनका ये लास्ट टाइम अपना थाउट होता है और उनके लिए जो भी एफर्ट लगते हैं लगाते हैं। हमारे साथ आमिर सर है लगातार, हम लोग अब चलेंगे ऑपरेशन थिएटर रूम में, वहाँ डिफिब्रिलेटर जो पेशेंट को शॉक थेरेपी वगैरह देते हैं, अच्छा अच्छा, उसके लिए ये डीफिब है, ठीक है। फिर हमारा जो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए देते हैं वो बाईपैप वगैरह होता है, बाईपैप सीपैप, तो वो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स क्या करती है वही बाईपैप सीपैप लेकर के जो 30-40 हज़ार रुपए पे आता है उसको लेकर के लोग वेंटिलेटर को दिखा देते हैं कि वेंटिलेटर है। नहीं, ये छोटे शहर में इस तरीके के विशेषता के साथ अगर अस्पताल ऑर्गेनाइज होता है और आप एक डॉक्टरों के टीम के साथ आप इस तरीका का एक लक्ष्य बना के मरीजों के लिए आप इलाज करते हैं तो बहुत बेहतर है छोटे शहर में। ये हमारा माइनर ओटी एंड प्री ओटी रूम है, यहाँ पे पहले पेशेंट को एसेस किया जाता है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से मूव करते हैं। और ये बच्चों के लिए भी, जो बच्चे जो डिलीवरी वाले केसेस है, जो सिजेरियन के बाद जो बच्चे होते हैं जिनको फोटोथेरेपी वगैरह की जरूरत पड़ती है या वार्मर की जरूरत पड़ती है, तो भी वो भी अवेलेबल हम लोग रखते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जो कि अगर हम कर रहे हैं और उसकी जरूरत पड़े तो हम ना रखें। यानी PSS हॉस्पिटल जो है ये पूरी तरीका से वो सारे आधुनिक मशीनरी से, आधुनिक से बिल्कुल लेस है।
ओटी कॉम्प्लेक्स में हम लोग यही कर रहे हैं। ओटी कॉम्प्लेक्स में देखिए मल्टीपल चीजें, सिर्फ ओटी रूम नहीं है। मैं ओटी कॉम्प्लेक्स से पहले की बातें कर रहा हूँ। माइनर ओटी एंड प्री ओटी एग्जामिनेशन रूम हो गया, स्टरलाइजेशन रूम हो गया, वॉशिंग एरिया इसके पीछे का है, ये हमारा डॉक्टर्स चेंजिंग रूम हो गया, मतलब प्रॉपर एक सिस्टमैटिक कॉम्प्लेक्स टाइप का। हाँ, ओटी कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग ओटी में ही करते हैं, ये हमारा ओटी है। ओटी बेड भी हमारा सब हाइड्रोलिक बेड है। साथ में ये मशीन जो है हमारी, ये अराउंड 9 लाख की मशीन है। ये एनेस्थीसिया मशीन, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपको ये मिलेगा ही नहीं कहीं पे, आपको लगता नहीं है कि मुंगेर में कहीं पे है। ये एनेस्थीसिया मशीन जो है, ये भी एक वेंटिलेटर है, मान समझिए एक तरह के, ठीक है। ये भी एक वेंटिलेटर है, ठीक है ना। वेंटिलेटर के साथ साथ ये ऑक्सीजन पे जो बेहोशी पे रहते हैं उन सब मरीजों के लिए भी ये प्रॉपरली हर तरीके का एनेस्थीसिया, ये नहीं कि सिर्फ स्पाइनल या पीडीट की हड्डी में या छोटा ऑपरेशन में, इवन बड़े से बड़ा न्यूरो सर्जरी हो, स्पाइन सर्जरी हो, ऐसी बड़ी से बड़ी जो 6 घंटे 8 घंटे चल सकती है, ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन है। मॉड्यूलर लाइट्स हैं, सब सारे कुछ हमारा ओटी उसी हिसाब से हम लोगों ने। तो कुल मिला के पीएसएस हॉस्पिटल के अंदर सारी व्यवस्था सर के माध्यम से है, और आप लोग बेहतर इलाज की कामना करते हैं, मरीज को यहाँ बेहतर सुविधाएं मुहैया कराते हैं सर। और यहाँ पर अब तक जो क्रिटिकल अगर कोई केस हैंडल किया हुआ हो तो ऐसा कुछ जिक्र? क्रिटिकली ओटी में देखिए, ओटी हर एक तरह का होता है, गायनी का है, ऑर्थो का है, सर्जरी का है, जनरल सर्जरी का, अभी भी अपेंडिक्स और हाइड्रोसील के पेशेंट है, ठीक है। जनरल ओटी एलएससीएस कभी सिजेरियन के पेशेंट है जो गायनी की ये है, हमारा सारा होता है। हाँ, जो लंबे समय का जो ओटी होता है, जो न्यूरो की है सर्जरी, जो मैंने बताया था स्पाइन सर्जरी का जो पेशेंट का, वो स्पाइन सर्जरी एक्चुअली पटना वगैरह में जाइए, आपका कॉस्टिंग अराउंड एंड अराउंड 4 to 5 lakhs है। हम लोगों ने यहाँ पे 1-15 में करके छोड़ दिया। वाह, क्या बात। इट्स अ डिफरेंट ड्रास्टिक, एंड पेशेंट इज वॉकिंग ऑन हिज लेग्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, पेशेंट अपने पैरों पे चल रहा है, खड़ा कर दिया, ये बड़ी बात होती है। और डॉक्टर्स को भी तब मतलब खुशी होती है कि जब हम आपको अच्छा करते हैं, ठीक है ना। ये सरकार नीचे एक ब्रीफ में सुने थे कि एक स्लोगन था 2 लाइन का, स्वच्छ। हाँ, वो सर से सुनना चाहेंगे। कौन सा लाइन था? दो, स्वस्थ समाज विकसित समाज। क्या बात, सर ने कहा स्वस्थ समाज और विकसित समाज। तो ऐसे सर अगर मुंगेर में ऐसे हॉस्पिटल के साथ अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, ये देख सकते हैं पूरे डॉक्टरों के पैनल से यहाँ पर। और मुंगेर जमालपुर तो एक शहर तो है ही, लेकिन जमालपुर कहीं छोटे शहर में इस तरीका का एक अस्पताल चलना, ऑर्गेनाइजेशन होना, ये बहुत बड़ी बात है आधुनिक मशीन के साथ। और यहाँ पर विशेष रूप से जो जिन मरीजों के पास कुछ राशियाँ की भी कमी होती है, तो यहाँ पर उन मरीजों का भी इलाज किया जाता है, ये विशेषता भी है। सपोर्ट रहेगा उसमें, रहेगा। भी, नो इश्यूज, वो भी रहेगा, वो भी ऐसे नहीं। तो और हम जानेंगे, चूंकि यहाँ पर जो है एक टीम के तहत भी ये अस्पताल को ऑर्गेनाइज किए भैया, इनसे भी जानेंगे कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी, क्या कारण रहा था कि आपने बहुत सारे फील्ड्स को चुन के एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। इसके विषय में तो हम एक पैसा जानते नहीं थे जी। मेरी माँ मुझे ऐसा जना दिया और मेरे पिताजी। एक्चुअली मेरी माँ जो है सो डॉक्टर के अभाव के कारण मर गई, ना कि पैसा के अभाव में। इसलिए उस दिन कस्तन ठाने थे मैं अपनी माँ के नाम से एक हॉस्पिटल जमालपुर शहर में खोलेंगे और अपनी सरजमी पे खोलेंगे, और आज खोल दिए हैं। और डॉक्टर की टीम तहे दिल से हमारे साथ हैं, जो कि जमालपुर के हैं, मुंगेर के हैं, भागलपुर के हैं, पटना से हैं, केरल से हैं, सभी हमारे साथ हैं पीएसएस के। तो माँ के याद में इन्होंने माँ को खोया, लेकिन और माओं को खोना नहीं चाहती, इनका दर्द के कारण इन्होंने अपने एक अस्पताल का यहाँ पर स्थापना किया, और कुछ समय से ही इस अस्पताल का संचालन स्वरूप चल रहा है। और आगे हम लोग कामना करेंगे, हमारा चैनल जो है शुभकामना भी देगा, नए साल आ रहे हैं। आप मुंगेर और जमालपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस न्यू ईयर्स में, क्या कामना करना चाहते हैं उसके स्वास्थ्य के प्रति? स्वास्थ्य के प्रति सही, सभी लोग खाना खाए, समय पे खाए, अच्छे से रहे, ठंडी से बचे, यही सभी लोगों से कामना करता हूँ।
और सभी लोग खुशहाल रहे जमालपुर के जनता लोग। चलिए और एक आमिर सर से हम लास्ट एक, चूंकि नया साल है और आज ईयर्स का एंडिंग डे है 31 दिसंबर, तो नए साल के लिए शुभकामना देना फर्ज बनता है पूरे मुंगेर वासियों के लिए, मुंगेर जमालपुर जितने भी लोग हैं सभी के लिए नए साल की शुभकामनाएं पूरे पीएसएस के डॉक्टर्स की टीम की वजह की तरफ से, पीएसएस हॉस्पिटल की तरफ से। और मेरा बस एक सजेशन रहेगा, इट्स प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आप खुद भी स्वस्थ रहें, आप जरूरी नहीं हॉस्पिटल आना जरूरी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, आप स्वस्थ रहें अच्छे रहें, जब जरूरत पड़ी हमारी तो याद करें, स्वस्थ समाज विकसित समाज, समाज और विकसित समाज की कल्पना पीएसएस करती है। और इसी के साथ नए साल की शुभकामना देते हुए लोग स्वस्थ रहे इसकी कामना के साथ इन्होंने अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। और चलिए थैंक यू, मेरे तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर का ढेर सारी शुभकामनाएं।